है, ड्राइंग में हम इसमें तीन चीजें जो लेते हैं बेसिकली, ठीक है, ड्राइंग में जो हम तीन चीजें लेंगे वो हमारे पास क्या होगी, तीन चीजें, नंबर वन तो जो हमारे पास होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड वन जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है, और थर्ड वन होगा हमारे पास जो भी हमारा सोर्स होगा उस सोर्स की जगह हम इसको लिखेंगे ऑब्जर्वर। ये मैं थोड़ा आपको डिटेल और पीपीटी के थ्रू थोड़ा और हम डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है अभी, लेकिन पीपीटी में आपको समझ में आए कि जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं पहले बेसिक हम देख लेंगे क्या चीज होती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, देन प्रोजेक्शन प्लेन, और देन जो भी हमारा ऑब्जर्वर। तो ये तीन चीजें जब आपके पास होंगी तब हम कोई भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते, then we can draw any projection, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ये projection है इसमें different types of projection होते हैं, number of projection, types of projection। अब वो इसमें क्या होते हैं कि object और जो projection plane है इनकी respective position कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्शन प्लेन से उसकी रिस्पेक्टिव क्या है। जैसे सपोज दो तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे प्रोजेक्शन प्लेन के बारे में दो तरीके का प्रोजेक्शन प्लेन हो सकता है, एक तो जैसे वॉल है सिंपल, आप इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वॉल के सामने और इसको आप देख रहे हो तो ये वॉल के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्शन कैसा है, जैसे कि आप अपन विंडो है, विंडो से बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, उस विंडो से बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है कि जो हमारी विंडो है वो ग्लास विंडो है, ठीक है। सो जो ग्लास विंडो हमारी है उस ग्लास विंडो से भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लास विंडो से देख सकते हैं, तो वो जो ग्लास है हमारा जिसके की बाद ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा एक प्रोजेक्शन प्लेन है, क्योंकि जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो ग्लास के कारण दिखाई दे रही है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी आईज के उधर है और जो हमारी आईज के यहाँ पर भी एक प्रोजेक्शन प्लेन है। तो यानी कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट है इसकी दो पोजीशन हो सकती है कि या तो वो प्रोजेक्शन प्लेन से प्लेन के फ्रंट में है या प्रोजेक्शन प्लेन के बिहाइंड में है। जैसे लास्ट टाइम आपने सीएईजी में जब पढ़ा था तो आपको आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसमें आपने दो तीन चीजें पढ़ी थी कि जो पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ वीपी है या बिहाइंड द वीपी है, ठीक है, आपने ये वाली चीज ऐसे डिस्कस की होगी, और अबव दी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और या फिर बिलो दी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके के प्रोजेक्शन प्लेन होते हैं, तो उसके इसी के हिसाब से जो प्रोजेक्शन प्लेन की पोजीशन होती है उनके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशन पोजीशन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, जो बेसिकली आपने पढ़ रखा है बेसिकली, जिसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दो तरीके के प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। देन जो ये ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये कहां पर है, इनकी पोजीशन क्या है, ये कितने एंगल पे हैं, इनके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हम देखेंगे। ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल तो हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है और जो सोर्स है इस ऑब्जर्वर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए एक मैं सिंपल सी चीज है, इसको अगर हम करना चाहें कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जर्वर है या जो भी हमारा लाइट सोर्स है उस लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी है वो प्रोजेक्शन कैसे होंगे, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज जैसे मेरे पास हम यही लेते हैं मोबाइल, ठीक है, और इस मोबाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये ऐसे बनेगा लेकिन मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे रोटेट करके देखो, सपोज दिस इज माय प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है,
इस प्रोजेक्शन प्लेन पे मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहां पर ऐसे प्लेस किया, ठीक है, ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट को यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया। और अब यहां पर कोई सोर्स है, ठीक है, ये कोई मेरा लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स से क्या होगा कि सपोज कोई लाइट रेजेस हैं जो आ रही हैं और ये इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है, तो ये वाली ब्लॉक हो जाएंगी और ये यहां से क्या होगा, मेरे पास इतना यहां पर कोई एक ऐसे प्रोजेक्शन दिखाई देगा जो ये चीज है, इसका यहां पर ऐसे रेक्टेंगुलर जो पोजीशन है वो मुझे दिखाई देगी, जो अगर मैं फ्रंट में अगर हिसाब से देखूं तो मुझे जितना मोबाइल की जो विड्थ है वो मुझे ऐसी चीज यहां पर शैडो दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो है। अब इसमें क्या है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है और जो मेरा सोर्स है ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी भी एक फाइनाइट डी डिस्टेंस पे है। और इसके कारण क्या है, जो मेरे पास जो शैडो बन रही है वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है या ओरिजिनल डायमेंशन है उससे ये यहां पर ज्यादा बड़ी डायमेंशन बन रही है। जैसे आपने देखा ही होगा कि हम किसी चीज से अगर किसी टॉर्च की हेल्प से इसको अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं वॉल पे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहली कंडीशन है जिसके अंदर की प्रोजेक्शन प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन के बाद ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा सोर्स है और सोर्स किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इस पोजीशन के कारण जो प्रोजेक्शन बनता है इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है जो वो बनती है प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन हमारा। तो ये प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन होता है जो नॉर्मली हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं वो करते हैं, वो हमारे पास प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो नहीं मिलती, ठीक है। अब मान लो कि मुझे क्या करना है कि ये जितनी ओरिजिनल लेंथ है मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो मेरी शैडो हो ये इतनी ही हो जितनी की उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है, ये जो सोर्स का एंगल है, इस एंगल को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जितना हो जाएगा यानी कि इक्वल ये कब बनेगा, इक्वल ये तब बनेगा जो आने वाली लाइट सोर्स है वो ऐसे पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, यानी कि जितनी भी रेज है इफ दे ऑल आर parallel to each other, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के parallel हो जाएंगी तो क्या होगा, मेरे पास जो object बनेगा वो actually इतनी length से बनेगा जितना कि ये है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, अगर मान लो कोई भी रेज है वो किसी एट एन एंगल है और हम चाहते हैं कि वो जिस सोर्स से आ रही है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो हमें सोर्स के साथ क्या चेंज करना पड़ेगा, सर इनफाइनाइट पे रख देंगे, इनफाइनाइट पे लेके जाना पड़ेगा। हम क्या करें, अगर मान लो सोर्स को इनफाइनाइट पे ले जाए तो क्या होगा, जो ओरिजिन है, जो पॉइंट है, वहां से जो दो रेज निकल रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जैसे कि हम नॉर्मल देख सकते हैं जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, जो रेलवे ट्रैक है उसमें दोनों के दोनों जो है हमारे पास पैरेलल होते हैं, बट एट द एंड कहीं इनफाइनाइट पे वो ये जाके लगता है कि उनका वहां कोई सोर्स है। तो ये जो पोजिशन आती है जिसके अंदर की हमारे पास क्या हो कि जो हमारा ऑब्जर्वर है या जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पे चला जाए, तो जो हमारे पास प्रोजेक्शन आता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, याद है पिछली बार कुछ पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन,
ठीक है। प्लस इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक कंडीशन और होती है कि जो हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा सोर्स है, तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है और जो हमारा सोर्स है या जो ये रेज है, ये जो आ रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये होगा हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब कई बार क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, सपोज ये मेरा कोई प्रोजेक्शन प्लेन है, दिस इज माय प्रोजेक्शन प्लेन, एक पोजीशन तो हमारी ये है, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। सपोज ये मेरा प्रोजेक्शन प्लेन है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये एक दूसरे के ऐसे हैं पैरेलल। अब मान लो मैं क्या करूं, प्रोजेक्शन प्लेन है जो मेरा, इसको मैं टिल्ट कर दूं, ठीक है, ये इसको मैं क्या करूं ऐसे एंगल पे कर दूं किसी, तो मैं एंगल पे कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, या मान लो मैं अगर इस ड्राइंग के हिसाब से देखें हम, ये इनफाइनाइट पे तो है लेकिन ये कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टिल्ट हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, बनेगा तो पैरेलल बट लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ एंगल जो 90 डिग्री आ रहा था वो 90 डिग्री की बजाय सम अल्फा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन आती है प्रोजेक्शन की, इसको बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो तीन तरीके के प्रोजेक्शन ये हो गए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसके अंदर की जो हमारा सोर्स है वो ऑब्जेक्ट से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, दूसरे दो हो गए ऑर्थोग्राफिक एंड ओब्लिक प्रोजेक्शन जिसके अंदर क्या है, जो हमारा सोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट पे है लेकिन एक कंडीशन में क्या है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और अगर वो इंक्लाइंड है वो किसी भी एंगल पे है तो वो हो गया ओब्लिक प्रोजेक्शन। अब एक पोजीशन क्या आती है कि जैसे मान लो सपोज जैसे ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये यहां से ये इन साइड से ऐसे अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ अलग डिटेल है, नीचे कुछ अलग डिटेल है, तो मैं क्या करूं, अगर मान लो इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो सपोज मैंने आपको ये ऐसे ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको क्या सिर्फ यही वाली डिटेल दिखाई दे रही है, आप इसको ड्रॉ कर दोगे, लेकिन हम क्या करें, हम चाहते हैं कि, और आपको अगर इधर वाली बनानी है तो आपको फिर ये वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, देन एक ये बनाना पड़ेगा, मिनिमम आपको तीन व्यू बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप क्या चाहते हो, हम चाहते हैं कि इतनी हम ना करें और इसको नहीं हम ड्रॉ करना चाहते, हम चाहते हैं कि किसी एक ही व्यू में ये बने, तो मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं अबाउट इसके एक्सिस दो बार किसी भी एंगल पे, सपोज मैंने एक बार ऐसे रोटेट किया, ठीक है, तो ऐसे रोटेट करने पे आपको ये साइड व्यू भी दिखाई देने लग गया और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है, अब ये साइड व्यू नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, ये व्यू भी दिखाई दे रहा है और ये व्यू भी दिखाई दे रहा है, और साथ में अभी एक्स्ट्रा में ये जो पीछे डिटेल है ब्लैक आपको ये भी दिखने लगी, तो एक बार तो ये रोटेट कर दिया, मैं क्या करूं इसको एक बार ऐसे रोटेट और कर दूं, ठीक है, कोई भी एंगल, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी, तो अगर मैंने ऐसे भी इसको रोटेट कर दिया तो आपको क्या हो गया, ये फेस भी दिखाई दे रहा है, टॉप से भी दिखाई दे रहा है और ये इधर वाला भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो वापिस देखो, पहले ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, सिर्फ आपको ये फ्रंट में दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, हमने क्या किया, पहले इसको ये एक एंगल रोटेट किया, ठीक है, तो आपको ये भी दिखाई दे रहा है और ये फेस भी दिखाई दे रहा है, यहाँ देखने पे आपको ये नहीं पता चला कि इसके पीछे क्या था, लेकिन ऐसे ही घुमाने पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ब्लैक है जो कि मान लो कि ये एक नॉर्मल डस्टर है उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये टॉप से और बॉटम से कैसा दिखाई दे रहा है ये फिर नहीं हमें पता चला, तो मैं इसको एक एंगल और रोटेट कर दूंगा, मैंने इसको तीन बार, दो बार रोटेट कर दिया है तो एक्स और वाई के अलोंग, ठीक है, तो ये भी दिखाई दे रहा है आपको, ये भी दिखाई दे रहा है और आपको टॉप भी दिखाई दे रहा है, और हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट में कि जो टॉप है बॉटम सेम वैसा ही है जैसा ये लेफ्ट साइड है वैसी राइट साइड है, तो यानी कि अगर आप इस कंडीशन में इसको एक ही ऑब्जेक्ट को, सिर्फ इतना ही अगर ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हो तो आप इस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल दे सकते हो, तो
तो ये जो प्रोजेक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं और जो प्रोजेक्शन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जो आइसोमेट्रिक पोजीशन होता है जो नॉर्मल हम बुक में देखते हैं, जो भी हमारे पास एमीटर वोल्टमीटर या जो भी चीजें जो हमारे पास बनी होती हैं, हमारे बुक में जो भी डायग्राम बने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बने होते हैं। ठीक है, और हमें जो करना है, आप जो ड्रॉइंग में करोगे सीएएमडी में, आपको क्या करना पड़ेगा, सीएएमडी में आपको जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया होगा, उस आइसोमेट्रिक व्यू को आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलना पड़ेगा। क्यों, उसका रीजन ये है, जितने भी प्रोजेक्शन है अदर देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये क्या होते हैं कि जो एक्चुअल डायमेंशन होती है वो डायमेंशन में नहीं बनते। अगर मान लो कोई लाइन है, वो लाइन आपकी 100 mm की है, अगर आप उस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तो वो जो लाइन है उसका जो प्रोजेक्शन है वो 100 mm ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको आपको हमने चेंज कर दिया है, आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है, या पर्सपेक्टिव बना हुआ है या ऑब्लिक बना हुआ है, तो वो जो लेंथ है वो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन। और हम ऑब्जेक्ट जो भी बनाते हैं वो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास क्या हो कि जो भी चीज जो बने हमारे पास वो हम जो भी ऑब्जेक्ट बना पाए वो हमारे एक्चुअल लेंथ में बने। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ लो, फिर मैं ये वाली जो चीज है ये आपको थोड़ी और डिटेल से उसके हिसाब से बताता हूँ पीपीटी के थ्रू एक दो व्यू के लिए। ओके, तो हम ये देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सबसे पहला आएगा वो आएगा प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, ये प्रोजेक्शन प्लेन है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ये लाइन ऑफ प्रोजेक्टर या सोर्स है जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, इस तरीके का जो व्यू बनेगा, ये जो प्रोजेक्शन प्लेन पे प्रोजेक्शन बनेगा, ये क्या होगा, जो एक्चुअल इसकी लेंथ है, इस लेंथ से या जो भी हाइट और ये जो डायमेंशन है ये इन डायमेंशन से अलग बनेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन जो मैंने आपको फर्स्ट वन बताया था। ठीक है, देन अगेन जो दूसरा प्रोजेक्शन है, अगर मान लो यही जो हमारे पास जो सोर्स है, इस सोर्स को मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊं, ठीक है, तो मान लो सपोज ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, ये कोई पिरामिड है, और जो ऑब्जर्वर है वो इन्फिनिटी पे है, जो सोर्स है, तो जो पैरेलल रेज आएंगी और जो परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन होगी, तो जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ है वो दिखाई देगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी कंडीशन में मैं क्या करूँ, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, ये जो रेज है ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर मान लो मैं ये रेज के साथ क्या हो जाए, ये इस तरीके से टिल्ट हो जाए, या जो हमारी रेज है वो एट एन एंगल हो जाए, जो पैरेलल एक दूसरे के तो पैरेलल हैं बट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओब्लिक प्रोजेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर की जो प्रोजेक्शन है दैट आर
प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर आता है कि अगर हम इसको एंगल से रोटेट करते हैं तो जो एंगल हम रखते हैं वो एंगल हम कितने डिग्री पर रोटेट करते हैं वो इक्वल है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता है नेक्स्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है 30 30 डिग्री दो बार रोटेट करूं, एक बार सपोज ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको 30 डिग्री ऐसे, ठीक है, एंड 30 डिग्री ऐसे, या मान लो इधर नीचे की तरफ, तो ये जो मेरे पास बनेगा ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनेगा। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का चार्ट होता है जिसको आइसोमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पर दो जो हैं आपको लाइंस हैं वो दिखाई दे रही हैं कि ये दो जो है ये मान लो कि ये लाइन है 30 डिग्री पे, ये लाइन है 30 डिग्री पे, और एक लाइन ये है। तो ये यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट में देखो एक लाइन ये एक लाइन ये, तो इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो एंगल हमने रोटेट किया है ये 30 30 डिग्री अगर हमने इक्वली रोटेट किया है देन इट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अनलेस अदरवाइज ये जो एंगल है अल्फा और बीटा ये हम डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो होता है हम हमारे पास एक्सोनोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है जो मेन है हमारे पास एक्सोनोमेट्रिक होता है जिसके अंदर की एक ट्राइमेट्रिक होता है एक ड्राईमेट्रिक होता है और एक आइसोमेट्रिक होता है। तो लेकिन आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि ये जो तीनों लेंथ होती हैं ए बी ए सी और ए डी ये तीनों इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल कब हो पाती हैं जब ये जो एंगल है दोनों 30 30 डिग्री होते हैं, तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। अगर मान लो कि ये दोनों जो एंगल है ए और बी ये तो इक्वल है, कितने भी इक्वल है नॉट इक्वल टू 30 डिग्री, और जो लाइंस हैं इसके अंदर ए बी और ए सी तो इक्वल है बट ए डी इज नॉट इक्वल, उनके बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास डायमेट्रिक होता है। और अगर मान लो कुछ भी बराबर नहीं है मान लो कि जो है तो वो हमारे पास होता है ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो बुक्स में होता है, वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो हम ड्रॉ करते हैं या जो हमने किया है वो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। हो सकता है कि सीएईजी में पहले तो जब आपने लास्ट में सीएईजी पढ़ा था तो लास्ट टू लास्ट ईयर तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने की एक शीट थी, शायद अब भी इसको हटा दिया है तो आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किया होगा, तो वो जो हमारे पास जो शीट है वो हम जो करते हैं वो हम ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। या तो हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं और या फिर क्या करते हैं आप जो अपना प्रोजेक्टर है और जो ड्राफ्टर है उसको हम 30 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं और फिर 30 डिग्री पे रोटेट करके ये जो लाइंस हैं ये 30 डिग्री पे और एक इधर लाइन, तो ये हम जो ड्राफ्टर है अपना उसको 30 डिग्री पे सेट करके ये लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करते रहते हैं। 30 से ये वाली लाइन ये पैरेलल लाइन आ जाएगी, देन वापस 90 फिगर की ये वाली लाइन और देन अगेन 30 पे ये नीचे की तरफ रोटेट करके। तो जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है हम नॉर्मल ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं तो हमारे पास जो हमारा ड्राफ्टर है दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। सो जो ड्राफ्टर है उसकी इम्पोर्टेंस भी यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जो हम चीज बनाते हैं कि जैसे मान लो सपोज ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को, या मान लो कोई भी मेरे पास ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमें ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाऊं तो आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्शन प्लेन होगा, ऑब्जेक्ट होगा और सोर्स होगा, लेकिन सिर्फ एक व्यू से हमें इसकी डिटेल नहीं पता चलेगी तो हमें इसके मल्टीपल व्यू बनाने पड़ेंगे। तो एक हम इधर से बनाएंगे तो ये फ्रंट व्यू होगा, एक ऊपर से बनाएंगे टॉप व्यू होगा, एक साइड से बनाएंगे तो हम वो साइड व्यू होगा, ठीक है। तो अब वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या चीज होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सपोज जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये भी एक कोई पर्सन है, इस पर्सन को अगर हम सामने से देखें तो जो हमारे पास है इसकी हमें काफी कम डिटेल दिखाई देगी, लेकिन अगर हम इसके ज्यादा व्यू बनाएं जैसे फ्रंट से कैसा दिखाई दे रहा है, साइड से कैसा दिखाई दे रहा है और ये बैक से कैसा दिखाई दे रहा है, अगर हमने इसके तीन व्यू बनाए हैं तो हमें इसकी मोर डिटेल्स जो है वो मिल गई है,
ठीक है। इसी तरीके से ये मान लो कोई टॉय है, तो ये टॉय कैसा दिखता है, इसकी कैसी पोजीशन है, तो इसकी भी अगर डिफरेंट पोजीशंस को हम ड्रॉ करें, एक से ज्यादा व्यू बनाएं, तो हमें डिटेल ज्यादा मिलेंगी। इसी तरीके से कोई कार है, ठीक है, ये कार का अगर हम एक साइड से देखें तो सिर्फ हमें इधर से ही पता चलेगा कि कैसा दिखाई दे रहा है, ये टॉप व्यू भी पता चल रहा है, ठीक है, ये हमें जो भी है इसको अगर मान लें कि ये फ्रंट है और ये साइड से, यानी ये फ्रंट से कैसी दिखाई दे रही है, साइड से कार कैसी दिखाई दे रही है और टॉप से कार कैसी दिखाई दे रही है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें जो है पता चल जाएंगी, तो हमें एक से ज्यादा व्यू बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें पता है कि मिनिमम जो है हमें तीन व्यू जो है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो तीन व्यू बनाने में सबसे पहली चीज तो हमें दो व्यू बनाने पड़ेंगे, जो हमारा एक तो फ्रंट व्यू और एक हमारा है टॉप व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए हमारे पास क्या है, अगर मैं नॉर्मल बात करें हम, तो मेरे पास क्या होगा, एक तो मेरे ये प्रोजेक्शन प्लेन है जो ये नॉर्मल मेरी वॉल है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉ किया तो ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है, ये जो वॉल है, ये वर्टिकल है, तो ये होता है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो आप प्रोजेक्शन जो पीपीटी है उसमें देखें, वर्टिकल प्लेन हमारे पास शो किया हुआ है, तो वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है, जो ये वॉल है। अब दूसरी चीज आपको ड्रॉ करनी है, मान लो टॉप व्यू बनाना है, तो हमारे पास क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, जैसे ये वर्टिकल प्लेन है और इसके एक ऐसे हॉरिजॉन्टल में प्लेन होगा जिसके ऊपर ऐसे ड्रॉ होगा। एक तो क्या है हमारे पास, ये जैसे कि ये है मेरे पास, तो एक तो मेरे पास ये प्रोजेक्शन है, यहां पर प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है, और एक मेरे पास यहां पर प्रोजेक्शन बनेगा, यहां पर नीचे, ठीक है, इस प्लेन पे, ये जो नीचे वाला प्लेन है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन प्लेन दो हो जाएंगे, एक वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, दो जो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। लेकिन क्या होगा, अब आप, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन, की वर्टिकल प्लेन के भी फ्रंट में है और इसके भी फ्रंट में है, या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा इधर प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे हो और इधर भी प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे हो। तो हमारा क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये भी इधर की तरफ एक्सटेंड होगा, वर्टिकल प्लेन है वो भी नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो जैसी पोजीशन आप स्लाइड्स में देख सकते हो कि आपको दिखा रखा है कि जो हमारा वर्टिकल प्लेन है दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, और लाइकवाइज द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑल्सो एक्सटेंडेड बियॉन्ड दी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो अगर अब ये वाली जो स्थिति है, ये आपने जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बनाया है या तब देखी होगी, तो एक स्थिति में क्या होता है कि कोई पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड अबव दी हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दैट मीन वो यहां पर होता है जहां मेरा भी कर्सर है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन अगर कोई जो है वो अबव दी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन होता है, तो दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इफ एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, देन इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ द एनी ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन या बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो सिंपल सी अगर इस चीज को हम देखें, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये मेरा वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा और ये मेरा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो या तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, 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 देन फर्स्ट एंगल, सेकंड
सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और जो ऑब्जेक्ट जहां रखा रहेगा, जो पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू उसके, ये क्वाड्रेंट में जो बनेगा, ठीक है। अब जब हमने डायग्राम बनाया था, सपोज आप जब शीट में हम जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त हमने देखा, आपने क्या किया कि ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा बनेगा वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। ये मेरा वर्टिकल प्लेन है और इसके ऊपर मैं सामने से देखूंगा तो ये मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वर्टिकल प्लेन पे। जो टॉप व्यू है वो बनेगा मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू बनेगा, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। लेकिन जब आपने इसको ड्रॉ किया था, तो आपने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की एक्स एक्स, और यहां पर आपने ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया फ्रंट व्यू, और एक नीचे ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया टॉप व्यू, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ वर्टिकल प्लेन पे आपने दोनों चीज बना दी और एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी और बोल दिया इस लाइन के ऊपर जो चीज है वो फ्रंट व्यू है और जो लाइन के नीचे जो चीज है वो है टॉप व्यू, और जबकि बना हुआ तो ये एक तरीके से देखे तो ये वर्टिकल प्लेन पे है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल, एनी गेस, कुछ याद हो लास्ट क्लास के वक्त जो आपको बताया गया था। एनी पर्सन, किसी को कुछ भी याद हो कि आपको कुछ तो बताया होगा लास्ट टाइम कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस ये कैसे होगा, मैं प्रेजेंट रोकता हूं। ठीक है, ये इस तरीके से होगा कि जैसे सपोज ये मेरे पास कोई भी है, ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। आपने एक चीज यहां बनाई, एक चीज यहां बनाई, और ये मान लो मेरी इस तरीके से बनी हुई है। आपने क्या किया, यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाया और यहाँ पर आपने क्या किया, जो वो बनाया, मतलब मैं ऐसा इसको आपको थोड़ा दिख जाए बोर्ड से अलग, तो आप इसको ऐसे देखो, ये आपको कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रिंटेड। तो ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है जो कि मेरा वर्टिकल प्लेन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये कुछ क्या है, ये तो वो हो गया, और यहां से ऐसा ही कुछ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, आपने यहाँ पर तो ये बना दिया फ्रंट व्यू बना दिया, अब आप इसको क्या करोगे, नीचे की तरफ इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ ओपन करेंगे तो आपको फ्रंट व्यू भी दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू भी दिखाई दे रहा है, और ये इसके बीच में हमारे पास क्या पार्टीशन है, जहां पर की जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है और इसके नीचे जो हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो लाइन से ऊपर है वो वर्टिकल प्लेन है, लाइन के जो नीचे है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है, तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बियॉन्ड है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम इधर नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे,
जो लाइन है इस लाइन से ऊपर जो बनेगा दैट इज वर्टिकल प्लेन, और जो नीचे जो चीज ड्रॉ होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज है वो है, अब ऑब्जेक्ट जो बन रहा है आप इसमें देखो पोजीशन, ये देखो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो दोनों मीट कर रहे हैं। यहां से ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्टिकल प्लेन पे, जो फ्रंट व्यू बन रहा है, ठीक है, तो एक व्यू तो मेरा ये बन रहा है, देन एक व्यू मेरा क्या बन रहा है उसी पे ये वर्टिकल प्लेन है, देन ये नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऊपर से देखने पे दिखाई बन रहा है व्यू फ्रॉम अबव दैट इज टॉप व्यू। ठीक है, तो ये तो दो हो गए हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है मुझे ये भी चाहिए कि ये ऊपर से दिख गया, ये इधर से दिख गया, ये मुझे इस साइड से या इस साइड से भी दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास क्या करता हूँ, मैं यहां से यहां पर एक जो है प्रोजेक्शन प्लेन और जोड़ देता हूं, जिसको कि प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं या ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं, जो वर्टिकल प्लेन से और हॉरिजॉन्टल प्लेन के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये मेरा प्रोफाइल प्लेन हो गया, ये यहाँ से साइड से दिखेगा, तो ये मेरे पास है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास तीन कंडीशन हो गई। ठीक है, एक कंडीशन क्या होगी, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे यहां से हम दिखाई दे रहे हैं, तो ये सामने मुझे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। देन दूसरी पोजीशन मेरे पास क्या हो गई, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन थर्ड वन इज कि आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर तीनों को हम एक साथ देखें तो आपको ये ऐसे पोजीशन दिखाई देगी, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है ही, और एक जो हमारा ऑक्सिलरी प्लेन है वो यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो सपोज कि मैं कैसे, अगर इसको अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जो दो एक मेरा एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन प्लेन है वो ऐसे है, तो ये इस तरीके की पोजीशन है। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और एक ये मेरा साइड में ऐसे या इधर साइड में ये कहीं भी एक प्रोजेक्शन प्लेन है, जो यहां से इधर से दिखाई देगा। ठीक है, सो अब इन सबको जब हमें ड्रॉइंग पे एक साथ बनाना है, तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को तो हम क्या करते हैं, यहां से इधर नीचे की तरफ 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, और ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। लेकिन इसी तरीके से जो प्रोफाइल प्लेन है इसको भी हम 90 डिग्री पे ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो आपने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसको 90 डिग्री नीचे की तरफ ले गए, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, जो प्रोफाइल प्लेन था, इसको भी 90 डिग्री इधर ले गए, तो आपके पास क्या हो गया, ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है बोर्ड पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर से एक बॉक्स और आ गया, जो कि हमारे पास प्रोफाइल प्लेन है, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, साइड व्यू जो है मेरा वो साइड व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और साइड व्यू कहाँ बनता है, प्रोफाइल प्लेन पे। ठीक है, तो ये तीनों इस तरीके से हो जाएंगे। तो और फिर ये कैसे दिखाई देंगे, ये जो इस आप इसको देखें, ठीक है, हमने क्या किया कि ये जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको 90 डिग्री नीचे रोटेट कर दिया, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इधर चला गया, और ये जो है इसको इधर ले गए, तो ये यहाँ बन गया। ठीक है, तो अब ये व्यू ऐसा दिखाई देगा। तो जो भी आपने जब क्लास में ड्रॉ किया था, तो आपको ऐसे ही बताया गया होगा कि आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे मार्क करना है, या वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, तो ये हमें जो है हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं।
है। तो अभी ये कुछ एग्जाम्पल है कि ये देखो, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर इसमें देखें तो जो आपको बना हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक है जो कि अगर यहाँ से देखें हम, इसका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, इधर से एरो से अगर हम देखें, ठीक है। तो अब इसके तीन व्यू कैसे बनेंगे, आप फ्रंट से देखोगे आपको ये एक बॉक्स दिखाई देगा, एक ये रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल दिखाई देंगे जो दोनों रेक्टेंगल यहाँ बने हुए हैं। इधर से देखेंगे हम साइड से, हमेशा क्या होता है कि जो साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के पैरेलल बनता है, तो अगर ये साइड से हम देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। देन अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ब्लॉक ये दिखाई देगा और एक ब्लॉक ये दिखाई देगा, दो दो रेक्टेंगल दिखाई देंगे, तो टॉप भी दिखाई देगा। तो हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो ऐसे ही करना है, हमें ये ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा होगा और आइसोमेट्रिक व्यू को हमें टॉप व्यू बनाना है। ये तो है हमें जो शीट में बनाना है, लेकिन अगर हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कुछ देते हैं, हमारे पास कुछ क्विज होती है या कुछ भी होता है, कहीं पर आपको ड्राइंग का यूजफुल आता है, अगर इफ एनीवन वांट्स टू चेक योर नॉलेज अबाउट मशीन ड्राइंग, तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई जैसे दो व्यू दे दिए या ये तीन व्यू दे दिए, देन वो ये पूछ लेते हैं कि इसका आइसोमेट्रिक कौन सा होगा, या कोई आइसोमेट्रिक दे दिया तो उसका ये पूछ लिया कि फ्रंट व्यू कैसा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक एक्सरसाइज है एक तरीके से सिंपली नीचे वाली, कि आपको ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, और इसका ये आइसोमेट्रिक व्यू है, इसका ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो आपको यहाँ पर ये जो बी आर जी जो लिखा हुआ है ये हमें मेंशन करना है कि कहाँ पर क्या आएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए। तो क्या कोई बताएगा जहां पर मेरा अभी ये कर्सर है इस वाले ब्लॉक में क्या आएगा? जी यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स ऑल्सो कि जहां पर मेरा अभी कर्सर है उस ब्लॉक में क्या आएगा। ओके, निशांत, कुणाल, मोनिशा, ओके गुड, ओके, जहां अब मेरा कर्सर है वहां क्या आएगा? ओके गुड गुड गुड, ओके। तो देन जो हमारे पास बचा है वो बचा है हमारे पास आर, ठीक है। सो अब चलो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। जो सेकंड वन में जहां पर मेरा अभी कर्सर है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब जहां मेरा कर्सर है वहां क्या आएगा? सर जहां मेरा कर्सर है वो फ्रंट व्यू है भाई, ध्यान से देखो उसको, ये यहां से देखोगे तो ये जो है ये दिखाई देगा, आर नहीं आएगा यहां पर, जी आएगा, ये जो चीज है ये दिखाई देगी आपको। इधर से आप देख रहे हो तो यहां ये जो दो रेक्टेंगल बने हुए हैं, एक तो ये वाला रेक्टेंगल है और एक ये वाला रेक्टेंगल है, तो ये जी आएगा, ये भी जी आएगा, और यहां पर क्या आएगा? अब आर आएगा। तो जब हम टॉप से देखेंगे तो एक ये रेक्टेंगल दिखाई देगा और एक ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, तो ये टॉप व्यू के दो रेक्टेंगल होंगे, तो आर और आर यहाँ आएगा, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल जो है ये वाले दोनों रेक्टेंगल है। आप कलर से भी देख सकते हो, इधर जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर कलर कोडिंग से देखो आप, दे रखा है व्हाइट कलर है, ये डार्क है और ये लाइट कलर है, तो जी जी आर आर और यहाँ पर बी, ठीक है। सेम यहां पर क्या आएगा जहां पर अभी मेरा कर्सर है? प्रियंक, तुमने अभी वाले का जवाब दिया, बाद पहले वाले का दिया था, नहीं बी आर नहीं आएगा, जहां मेरा कर्सर है सिर्फ वो बताना है निशांत, अभी वाले का प्रियंक गलत है, सॉरी सॉरी, प्रियंक ने क्या जवाब दिया था? प्रियंक आपने आर बोला था ना, हाँ आर तो सही है, सर बी बोला था।
डी गलत है, बी यहाँ आएगा जहां अभी मेरा कर्सर है। देखो यहां पर ये आर आएगा, एक्चुअल में ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल ये है जो बड़े वाला, वो ये वाला होगा, और स्मॉल जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो ये वाला होगा। तो ये मेरा कर्सर है वो स्मॉल में है, तो दैट वन इज आर। और जब टॉप से देखेंगे तो यहाँ बी आएगा, ये वाला आर नहीं दिखाई देगा। जब ऊपर से हम देखेंगे तो सिर्फ दिस बी एंड दिस आर इज विजिबल, नॉट दिस आर। लेकिन यहां पर जब हम देखेंगे यहां पर आर और आर आएगा। आप इधर से भी देख सकते हैं, ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो एक आर यहां पर है, एक आर यहां पर, ये दिखाई देगा। टॉप व्यू से देखेंगे तो ये बी और ये आर, तो ये बी और आर यहाँ दिखाई देगा। और ये जो जी है, ये जी हमारा साइड व्यू है, ये साइड व्यू हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो पिक्चर है ये जानबूझ के ट्रिकी है। सो ये वैसे नॉर्मली आप जो बनाएंगे उसमें टॉप व्यू है वो फ्रंट व्यू के नीचे आएगा, और लेकिन यहाँ पर क्या है, जो टॉप व्यू है वो साइड व्यू के ऊपर है। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो चलो आज तक अगर किसी को कोई इसमें डाउट है तो अभी कोई पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास से हम फिर इसको आगे कंटिन्यूएशन में लेंगे कि कैसे हमें ड्रॉ करना है, क्या चीज है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, सो इफ एनीवन हैव डाउट टिल नाउ, ही और शी कैन आस्क। ओके, सो मीनवाइल जब तक कोई कुछ पूछना चाह रहा है कर रहा है, तो आप लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस टाइप कर दें विद रोल नंबर। हाँ, सर आप इसकी पीपीटी सेंड कर देना। पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा पूरे सेक्शन में। कोई लीव मत करना एक बार अटेंडेंस टाइप करके। ओके, सभी ने ऐड कर दी टाइप। एक नमन शायद बीच में कनेक्शन टूट गया, नमन जैन। चलो कोई बात नहीं, मुझे ध्यान है। ठीक यस है नमन, तुम्हारा शायद कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया था। अटेंडेंस टाइप कर दी ना तुमने? गुड। यस सर ठीक है, ओके, सो टेक केयर योर सेल्फ, स्टे एट होम। आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू। ओके सर आप भी ध्यान रखना सर। बिल्कुल।